हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के इंडेक्स क्वेश्चन से। इंडेक्स क्वेश्चन 10.1, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट, हमें उसके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। हमें कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा 2-chloro-3-methyl-heptan। तो हम क्या करेंगे, पहले उसमें लॉन्ग चेन फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमारे क्या है पेंटेन। पेंटेन में कितने होते हैं, तो 5 कार्बन होते हैं, तो वो हम पहले लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 कार्बन। उसके बाद क्या है, 2 नंबर पे क्लोरो है, तो दूसरे नंबर पे हो गया क्लोरीन, और तीसरे पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया CH3। अब हम क्या करेंगे, तो सारे कार्बन की वैलेंसी को सेट कर देंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 1 हो गई तो ये हो गया CH3, यहाँ पे 2 और 1 3 है तो यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे भी 3 है तो ये हो गया CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये होगा CH3। तो ये स्ट्रक्चर हो गया 2-chloro-3-methyl-heptan का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है हमारा, 1-chloro-4-ethyl-cyclohexane। सही, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेरेंट चेंज फाइंड आउट करेंगे। वो क्या हो गई हमारी, साइक्लोहेक्सेन। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। सही है। अब उसमें क्या है, पहले नंबर पे है क्लोरो ग्रुप, मतलब एक क्लोरीन आ गया पहले नंबर पे। सही है। और 4 नंबर पे क्या है, इथाइल ग्रुप, तो ये पहला हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। तो उसके ऊपर क्या आएगा, एक इथाइल ग्रुप, तो हो जाएगा C2H5 और आप लिख सकते हैं CH2CH3। दूसरे की क्या दिया गया है, 4-tertiary-butyl-3-iodo-heptan। तो यहाँ पे हमारी पैरेंट चेंज क्या हो जाएगी, हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन। राइट, 7 कार्बन हम कैसे लिखेंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 पे आयोडो लगाना है, तो पहले वो लगा लेते हैं हम। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सही है। तो 3 पे क्या हो गया, आयोडीन। 4th पे क्या करना है हमें, तो 4th नंबर के कार्बन पे हमें करना है ब्यूटाइल ग्रुप अटैच करना है, लेकिन कौन सा, टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब के हमारा ब्यूटाइल का जो कार्बन हमें यहाँ पे लिखना है वो दूसरे कितने, टर्शियरी का मतलब दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा हमारा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। सही है, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी सेट कर दो, तो हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 4-tertiary-butyl-3-iodo-heptan। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1-4-dibromo-but-2-ene। तो यहाँ पे हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, ब्यूट, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, ये हो गया 1, 2, 3 और ये हो गए 4। उसमें क्या करना है, पहले कार्बन और चौथे कार्बन पे क्या करना है, ब्रोमो, यहाँ पे डाई का मतलब 2 बार ब्रोमो ऐड करना है, कौन से पे, फर्स्ट और फोर्थ पे। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। तो पहले पे हमें क्या करना है, एक ब्रोमीन ऐड करना है, और दूसरा किस पे करना है, तो चौथे नंबर पे कार्बन पे ऐड करना है। फिर क्या है, 2-ene, मतलब जो दूसरा नंबर का कार्बन है उसके ऊपर क्या होगा, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा 1,4-dibromo-butene। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से वैलेंसी सेट कर देते हैं, तो हो जाएगा CH2। ये ऑलरेडी 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे CH, यहाँ भी हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 1,4-dibromo-but-2-ene। हमारे अगले क्वेश्चन पे, वो क्या है, 1-bromo-4-secondary-butyl-2-methyl-benzene। सही है। तो यहाँ पे हमारी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, बेंजीन। तो पहले हम बेंजीन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन। अब क्या करना है, तो फर्स्ट नंबर पे करना है ब्रोमो, तो पहले नंबरिंग कर ले। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमारा बेंजीन हो गया, उसका नंबरिंग भी हो गया। अब पहले पे क्या करना है, ब्रोमो, तो ये हो गया 1-bromo। सही है, Br ऐड कर दिया। अब क्या करना है, फोर्थ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप ऐड करना है। ब्यूटाइल माने कि क्या होता है, 4 कार्बन होता है,
और वो भी कौन सा सेकेंडरी, मतलब ब्यूटाइल का जो कार्बन बेंजीन से अटैच होगा वो दूसरे दो कार्बन से अटैच होगा, ये तो अभी तीन ही हो गए, तो एक और ये कार्बन हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूटाइल ग्रुप, इसे हम लिख देंगे CH3, ये तीन और तो हो गया चार, CH2 और हो जाएगा CH3, तो ये क्या होगा हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और दूसरे पे क्या करना है हमें, मिथाइल ग्रुप मीन्स CH3, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, सही है।